हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने आईको के फोन दोस्तों आप एक ही टाइम पे दोस्तों दो स्क्रीन को एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं गूगल ऐप को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों मैंने यूट्यूब को भी ऑन कर रखा है अपने आईको के फोन में। दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने फोन में दोस्तों आप अपने डुअल स्क्रीन को यूज़ करना चाहते हो एक ही टाइम पे, दोस्तों आप दो स्क्रीन को ऐसे चलाना चाहते हो तो आप कैसे चला सकते हो, मतलब कैसे यूज़ करोगे आज के मैं आपको बताऊंगा। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईको फोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। फोन की सेटिंग पर क्लिक करने के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है शॉर्टकट सेटिंग पे। जैसे आप शॉर्टकट पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर सकते हो एस कैप्चर, स्मार्ट स्पीड सेटिंग, क्विक एक्शन सेटिंग, इजी टच सेटिंग, स्मार्ट फोन सेटिंग। आपको क्लिक करना है दोस्तों सेकंड वाले ऑप्शन पे। इंटर स्पीड स्क्रीन पे क्लिक करने के दोस्तों आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग अगर डिसेबल है तो दोस्तों यहाँ पर सकते हो स्क्रीन पर डुअल स्क्रीन को यूज़ नहीं कर सकते। पहले आपको उसको यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने गूगल ऐप को ऑन कर लिया पहले, और मैं इसकी स्क्रीन को यहाँ पे थ्री फिंगर से स्प्लिट कर देता हूँ। और उसके बाद तो मैं गूगल ऐप के साथ दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन शो हो रही है मैं इन्हीं स्क्रीन को यूज़ कर सकता हूँ अपने आईको के फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे जो भी ऐप शो हो रहे हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, और जो नहीं हो रहे आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे जो भी ऐप शो हो रहे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अब यूट्यूब को ऑन कर लेता हूँ। अब दोस्तों पहले हमने YouTube की स्क्रीन को ऊपर रखा था, अब दोस्तों मैंने इसको नीचे रखा है और मैंने ऊपर Google की स्क्रीन को रखा है। अब दोस्तों आप इसकी स्क्रीन को एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर ज़्यादा कर दोगे तो ये पूरी स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं गूगल ऐप को ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने आईको के दोस्तों डुअल स्क्रीन सेटिंग। दोस्तों आप एक बार दो स्क्रीन को ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो दोनों ऐप को दोस्तों आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। अगर एक को करना चाहते हो तो यूट्यूब को डालना चाहते हो, यहाँ पर आप गूगल की स्क्रीन को फुल कर दो या यूट्यूब की स्क्रीन को फुल कर दो, गूगल की स्क्रीन आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक हट जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आप यूट्यूब पर कुछ और यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ करना चाहोगे अपने फ़ोन में कैलकुलेटर को, तो दोस्तों यहाँ पर हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हो कोई और ऐप, तो यहाँ पर आप सकते हो दोस्तों फेसबुक है, मैप ऐप है, क्रोम ऐप है, दोस्तों कोई से भी ऐप दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों वही ऐप कर सकते हो जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे उनको नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों स्नैपचैट पर क्लिक करता हूँ, मैं स्नैपचैट को यूज़ कर सकता हूँ अपने गूगल ऐप के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे, और दोस्तों किसी भी स्क्रीन को आप स्प्लिट करके यूज़ नहीं कर सकते, मतलब डुअल स्क्रीन यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ऐसे करोगे तो आपकी स्क्रीन यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो रही है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।